आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज डीआरडीओ लैब और ब्रह्मोस यूनिट का करेंगे शिलान्यास। दिल्ली की हवा फिर सर्वर कैटेगरी में, 430 पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। जम्मू कश्मीर मुठभेड़ में मारे गए आतंकी की शिनाख्त, फहीम के रूप में हुई, आईएसजेके का सदस्य था आतंकी। बीजेपी नेता ने ईडी को दिए साक्ष्य, नोटबंदी के दौरान आजम खान के जौहर को दान में मिले थे 222 करोड़ रुपए। नितिन गडकरी का ऐलान, अमेरिका की तरह उत्तर प्रदेश में बनाएंगे सड़कें, अगले 5 साल में देंगे 5 लाख करोड़। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। प्रतापगढ़ पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने करीब 1,597 करोड़ रुपए की लागत से 69 किलोमीटर लंबे 3 राष्ट्रीय राजमार्ग का शिलान्यास किया, जिसमें प्रतापगढ़ के बहुप्रतीक्षित सेनावा से सुखपाल नगर तक 14 किलोमीटर का बाईपास भी शामिल है। शिलान्यास कार्यक्रम के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मंच से जनता को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सरकार का खजाना आम जनता के लिए खुला है, जिसकी वजह से पूरे प्रदेश का विकास हो रहा है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तुलना हनुमान से करते हुए कहा कि इस बार प्रतापगढ़ की 7 सीटों को जनता जीतना है और गुंडागर्दी उखाड़ कर फेंकनी है। खबर औरैया से है, जहां फफूंद में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उन्नाव सांसद साक्षी महाराज पहुंचे, जहां उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी का 57वां जन्मदिवस मनाया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने साक्षी महाराज का फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। वहीं मंच पर भाषण देते हुए साक्षी महाराज बोले कि कानपुर में इत्र व्यापारी के घर आईटी का छापा पड़ा है, जहां लोग पैसों के लिए तरस रहे हैं, वहीं किसान परेशान है। खबर सिद्धार्थनगर इटवा विधानसभा के बढ़िया चौराहे से है, जहां कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा स्तरीय प्रतिज्ञा सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष काजी सुहेल अहमद और खुनियाव ब्लॉक अध्यक्ष मैनुद्दीन खान ने की। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में प्रियंका गांधी की सलाहकार समिति के सदस्य और पूर्व सांसद मोहम्मद मुकीम भी उपस्थित रहे। इस मौके पर मोहम्मद मुकीम ने सम्मेलन में उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव के समय तो सभी पार्टियां जनता के बीच वादे करती हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद सभी पार्टियां वादे भूल जाती हैं, लेकिन प्रियंका गांधी ने जनता के लिए प्रतिज्ञाएं की हैं। खबर फतेहपुर से है, जहां कांग्रेस महिला जिलाध्यक्ष हेमलता ने अपने विधानसभा क्षेत्र के महमदपुर, उरौली और समेत कई गांवों में पहुंचकर जनसंवाद किया, जिसमें गांव के जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान अध्यक्ष हेमलता ने लोगों की समस्याएं सुनी, साथ ही लोगों को लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे के साथ जनसंवाद में मौजूद महिलाओं को महिला घोषणा पत्र शक्ति विधान के बारे में जानकारी दी। इस दौरान कई लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता भी ली। रायबरेली में कुछ भ्रष्ट राजस्व कर्मी सरकार के दावों को जमकर पलीता लगा रहे हैं। सलोन तहसील में तैनात रुपेश कुमार नाम के भ्रष्ट लेखपाल ने चंद सिक्कों के लिए लगभग 16 बीघा भूमि बुजुर्ग महिला को मृतक दिखाकर और उसके रिश्तेदारों के नाम कर दी, जिस पर बुजुर्ग महिला के परिजनों को महिला के जीवित होने के बावजूद जिंदा साबित करना पड़ रहा है। भैया क्या नाम है आप? मनोज द्विवेदी। कहाँ के निवासी हो भैया? ग्राम धरईपुर हुआलपुर सिजनी। भैया क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि हमारे बाबा जी जो थे उनके वो मृतक हो चुके हैं, हम अपनी आजी के साथ रहते थे, जिनकी जमीन हमारी आजी के नाम आना चाहिए था, जिसको षड्यंत्र के तहत हमारे
पटीदार लोग लेखपाल और ग्राम प्रधान की मदद से अपने नाम पाका गया रखा। लेखपाल का क्या नाम है? लेखपाल का नाम रूपेश मौर्य। क्या आपने इसकी शिकायत किया है कहीं? समाधान दिवस पर तहसील में। लेखपाल से आपने इसकी जानकारी लिया है इस मामले की? हाँ, उनकी उनसे हमने जानकारी लिया, उन्होंने कहा इसका हम निस्तारण कर देंगे। क्या जिसको इन्होंने मृतक दिखाया है वो भी जीवित है? जी, अभी वो जीवित है। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम सत्य तिवारी है। कहाँ के निवासी हो आप? सिसनी भोपालपुर। क्या समस्या है आपकी? सर, समस्या ये है कि राम उंजेर द्विवेदी पुत्र नानू दुबे, हाँ, ग्राम धरई, हाँ, उनकी पत्नी का नाम रामावती है, वो रामपति, वो अभी जीवित हैं सर। हाँ, उनको मृतक दिखाकर करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर उनके पटीदारों के नाम लेखपाल व प्रधान मिलकर। लगभग कितने बीघी भूमि को गलत तरीके से दिखाया गया है? सर, 16 बीघी। तो इसमें कौन कौन सा लिप्त था? सर, इसमें ग्राम प्रधान व लेखपाल व समरजीत। लेखपाल का क्या नाम है? लेखपाल का रूपेश मौर्य सर। क्या इसकी शिकायत आपने किया है? हाँ सर, शिकायत की। हाँ, बोले कि समाधान हो जाएगा, आप परेशान मत हो। यदि न्याय नहीं मिलता है तो आप लोग क्या करेंगे? सर, न्याय नहीं मिलेगा तो हम डीएम के यहाँ धरना देंगे। खबर बांधा के बिसंडा थाना क्षेत्र के चंद्रायल गांव से है, जहां पर चोरी की एक दिलचस्प घटना सामने आई है। पहले तो चोरों ने वेल्डिंग की एक दुकान से हजारों के सामान पर हाथ साफ किया, लेकिन बाद में पीड़ित की परेशानी जानकर चोरों का दिल पसीज गया और वो काफी इमोशनल भी हो गया, जिसके बाद चोरों ने पीड़ित का सामान लौटा दिया और उसमें लिखकर माफी भी मांगी। घटना के पीछे गलत सूचना को चोरों ने जिम्मेदार बताया है। चोरों ने इसके लिए बकायदा चुराए गए सामान को एक बोरी और डिब्बे में पैक किया और उसके ऊपर एक पेपर में माफी नामा लिखा है और अब ये घटना पुलिस के साथ साथ अब इलाके में भी चर्चा का विषय बन गई है। तारीख में रात में हुई थी, सुबह जब मैं दुकान में आया 20 तारीख को तो मेरी चोरी हो चुकी थी। मैंने देखा तो जो है उसके बाद जो है मैंने 112 नंबर मिलाया, 112 नंबर आई, थाना में इस्तला दिया। फिर जो है उसके बाद जो है थाने में उन्होंने कहा कि चलो दरोगा साहब आएंगे तो जानकारी अपना आएंगे वहाँ देखेंगे, माको मुआयना करेंगे। फिर उसके बाद जो है 22 तारीख में सुबह जो है मेरा सामान रोड के किनारे मिला, गाँव वालों ने मुझे सूचना दी तो जो है मैं अपना सामान ले आया। उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था कि तुम तो हमसे भी ज्यादा गरीब हो, इसलिए हम आपका सामान वापस। अयोध्या में निर्माणाधीन भव्य राम मंदिर की भव्यता पूरे विश्व में कीर्तिमान के साथ स्थापित हो रही है। वहीं अरब देशों में भी हिंदू सनातन धर्म के प्रति आदर भाव बढ़ रहा है, जिसके चलते अबूधाबी में निर्माणाधीन हिंदू मंदिर में अयोध्या वासियों ने अपनी कार सेवा शुरू कर दी है। इस मौके पर मंदिर का निर्माण करा रहे दुबई के रहने वाले अयोध्यावासी विवेक तिवारी ने बताया कि करीब 880 करोड़ रुपए की लागत से 27 एकड़ भूमि में निर्मित होने वाला ये हिंदू मंदिर भव्यता के लिए राजस्थान के लाल पत्थरों से बनाया जाएगा। वही अब खबर बलरामपुर के तुलसीपुर से है, जहां दो दुकानदारों में हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान लोगों की भीड़ देखने को मिली और एक दुकानदार ने खुद पर चाकू से वार कर लिया, जबकि चाकू लगने से दुकानदार इस्माइल बुरी तरह से घायल हो गया, जिसको पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया, जबकि घायल दुकानदार इस्माइल थाना तुलसीपुर का हिस्ट्री शीटर भी है। आज दिनांक 25 दिसंबर को थाना क्षेत्र तुलसीपुर में इस्माइल नाम का व्यक्ति, जो थाने का एचएस है और जो हरैया तिराहे पर बिरयानी की दुकान लगाता है, उसके द्वारा पास में ही दुकान लगाने वाले रमेश, ननकौ, मोनू, मुल्ला आदि लोगों के साथ वाद विवाद किया गया, गाली गलौज की गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जब मौके पर दोनों परिवार के लोग इकट्ठे हो गए और भीड़ हो गई तो इस्माइल द्वारा स्वयं अपने गले पर वार किया गया, जिससे उसके गले पर चोट आई है। इस्माइल को प्राथमिक चिकित्सा दिला दी गई है, मौके पर शांति व्यवस्था है। अग्रिम लखीमपुर में नीम गांव थाना क्षेत्र के पिपरी गांव का रहने वाला व्यक्ति का शव गन्ने के खेत से बरामद हुआ है। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। दरअसल पिपरी गांव का रहने वाला सुनील देर रात गन्ना कोल्हू से काम करके वापस घर लौट रहा था, जिसके बाद ग्रामीणों ने गांव के बाहर गन्ने के खेत में उसका शव पड़ा देखा। परिजनों और पुलिस को इसकी सूचना दे दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है।
उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।